करगिल हजरतुल इस्लाम शेख नाजर उल मेहंदी मोहम्मदी साहब के हुक्म पर हम लोग आए हैं, मैं और शेख हकी साहब, जहाँ हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोगों के साथ अपनी इजहार यकजहती करते हैं। ये जो हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से आप लोग जिस जद्दोजहद में, इससे पहले भी आप लोगों ने यहाँ पे हमसे जब भी आप लोगों ने कहा कि मदद के लिए या हेल्प के लिए हमारा स्ट्राइक करने का वजह यही हुआ कि 30 अप्रैल से हमारा ये इशू चला था। वैसे तो पहले भी हमारा ये इशू था जब हम जम्मू कश्मीर के साथ थे, उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जब दो यूटीज में डिवाइड हो गए, कारगिल लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी, तब से हमारे यहाँ पे एक परेशानी ये आई कि हम गाड़ी वालों को कि पहले हम जम्मू चलते थे, श्रीनगर चलते थे, अब हमारा जो परमिट है वो सिर्फ एक ही स्टेट का रहा, वो यूटी लद्दाख का। तो हम चाहते हैं कि पूरा लद्दाख घूमे, चाहे लेह में हो, कारगिल में हो, जहाँ पे भी इनर रूट से हम हर जगह जाए, क्योंकि हमारा जो ये कैब्स है वो स्टेट कैरेज नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का तो परमिट हर जगह का होता है पूरा, अगर यूटी लद्दाख का दें तो पूरे यूटी लद्दाख का, वहाँ छुशुल से लेके यहाँ पान द्रास 0 पॉइंट तक, और वहाँ से जाके नोबरा से लेके हमारा बटा लेक, यहाँ से हुंदरमान बॉर्डर, हर जगह का होता है। तो वहाँ ले में हमें खारू में रोका जा रहा है, इलीगल नाका लगा के वहाँ पे नॉर्थ पुलू खरदोला चढ़ने से पहले वहाँ रोका जा रहा है ले टैक्सी यूनियन की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि वो सारे जो है नाकाज हटें और फ्री मूवमेंट हमें करने दें, हमारी गाड़ियों को फ्री चलने दें किसी रुकावट के बगैर। तो हमने इसीलिए यहाँ पे ये स्ट्राइक करना शुरू किया है। तो हमें यहाँ से जब तक हमारे ये मसले हल नहीं होते हैं तब तक हम ये स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। अपना कोई डेलीगेशन ले गया है गवर्नर साहब से मिलने के लिए? इससे पहले हम यहाँ से गए थे, उससे पहले भी हमने रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे दिए हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी। इवन कि हम आरटीओ साहब के पास भी गए, एलजी साहब खुद के पास गए और ड्यूकॉम साहब खुद के पास गए, तो वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं मिला। तो हम मजबूर हो गए कि हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे और हंगर स्ट्राइक करें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या स्टेप लोगे इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा, यहाँ पे ये स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे ये मसले हल नहीं होते हैं, तब तक हमारा ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर कोई हमें पूछे ना, हमारे यहाँ इस मसले का कोई सोल्यूशन ना निकले, तो हो सकता है इससे भी स्ट्रिक्ट स्ट्राइक की ज़रूरत हो, तो हम वो भी करेंगे, तो उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे।